डायना युग को घूरते हुए ही कहती है, वही युग जो सच है। तुम उस भक्षानर के साथ मिले हुए हो ना, तभी द्वार नहीं खोल रहे हो। मैंने सही कहा ना? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए तुरंत हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं डायना, ऐसा नहीं है। मैं भला उस भक्षानर के अंश के साथ क्यों मिला होऊंगा? डायना तुरंत पलट कर कहती है, क्योंकि तुम उस भक्षानर के वंशज जो हो। तुम तो चाहती ही होगे कि वो भक्षानर अपने मकसद में कामयाब हो जाए, कालगढ़ बन जाए और पूरे ब्रह्मांड पर उसका राज चले। तभी तो तुम ये द्वार नहीं खोल रहे हो। तुम चाहते ही नहीं हो कि हम इस सदृश कमरे के अंदर जाएं और उन बोतलों को वहां से निकालें। युग डायना से कुछ कहता उससे पहले ही यामिनी बीच में बोल पड़ती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो डायना? युग बाबू उस भक्षानर के साथ नहीं बल्कि हमारी तरफ है। तुम ये बात कैसे भूल सकती हो कि युग बाबू ही उस भक्षानर के खिलाफ जाकर उससे लड़े थे? उन्होंने ही हम सबको बचाया था। डायना पलट कर कहती है, बचाया नहीं यामिनी, फंसाया था। मुझे तो लगता है युग की वजह से उस रात भक्षानर का अंश वहां से बचकर निकला था, वरना उसका उसी रात अंत हो जाता। ये युग उस भक्षानर के साथ मिला हुआ है, ये हमें धोखा दे रहा है। यामिनी कुछ कहती है उससे पहले ही अभिमन्यु गुस्से के साथ बोल पड़ता है, बस करो डायना, कब सुधरोगी तुम? जब देखो तब किसी ना किसी पर शक करती रहती हो। अभिमन्यु डायना को घूरते हुए कहता है, मुझे मेरे दोस्त पर पूरा भरोसा है, वो हमें धोखा नहीं दे सकता, समझी तुम? डायना भी अभिमन्यु को एकटक देखते हुए ही कहती है, तुम्हें युग पर तो भरोसा है पर मुझ पर नहीं, है ना अभी? क्यों, मैंने सही कहा ना? अभिमन्यु गुस्से गुस्से में ही बोल पड़ता है, हाँ नहीं है तुम पर भरोसा डायना, तुम यही सुनना चाहती थी ना मुझसे? अभिमन्यु का जवाब सुनकर डायना पलट कर कुछ बोल ही नहीं पाती है, उसका पूरा मुंह उतर जाता है। युग खुद ही बोल पड़ता है, अभिमन्यु मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर पता नहीं ये द्वार मुझसे क्यों नहीं खुल रहा है। अभिमन्यु हमदर्दी के साथ युग से कहता है, हाँ युग, वो तो मुझे दिख ही रहा है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए युग से पूछता है, युग तू तो इस ग्रेवयार्ड कोठी से अच्छे से वाकिफ है, क्या कोई और रास्ता नहीं है अदृश्य कमरे में जाने का? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जितना मुझे पता है अभिमन्यु, एक यही रास्ता था अदृश्य कमरे में जाने का, मैं इसी रास्ते से अदृश्य कमरे में जाया करता था। अभिमन्यु परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, समझ नहीं आ रहा कि ये द्वार खुल क्यों नहीं रहा है। यामिनी कुछ सोचते हुए कहती है, हो सकता है ये द्वार उस भक्षानर के अंश ने ही बंद कर दिया हो। हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि वो भक्षानर हर वक्त हमसे एक कदम आगे रहता है। शायद उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया हो कि ये ख्याल हमारे दिमाग में आ सकता है, इसलिए उसने पहले ये द्वार अपनी शक्तियों से बंद कर दिया हो। आखिर ये द्वार उसी का तो बनाया हुआ है, इस पर पूरा उसी का नियंत्रण है। युग भी यामिनी की बात से सहमत होते हुए कहता है, यामिनी सही कह रही है, ये उस भक्षानर का ही किया धरा है, वो बहुत चालाक है। लगता है उस भक्षानर के अंश को भी पता चल गया है कि हमें पता है कि उसके लिए ये बोतलें कितनी जरूरी हैं, इसीलिए उसने ये सब किया है। अभिमन्यु कहता है, लगता है अब हमें पूर्णिमा की रात को यहाँ पर वापस आना ही होगा, क्योंकि अब ये द्वार तभी खुलेगा। यामिनी कुछ सोचते हुए कहती है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर उस भक्षानर के अंश के लिए ये बोतलें इतनी जरूरी हैं, तो वो एक एक करके इन बोतलों को क्यों यहाँ से ले जाता है, एक साथ क्यों नहीं ले जाता है, और वो इन बोतलों की मदद से कैसे कालगढ़ बना रहा है? अभिमन्यु कहता है, अब ये सब तो उसी रात पता चलेगा यामिनी, जब हम कायर और कछुए को पकड़ेंगे। अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगले ही पल अभिमन्यु अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। युग, यामिनी और डायना भी उसके पीछे जाने लग जाते हैं। डायना का चेहरा उतरा हुआ था, वो अभिमन्यु से काफी नाराज लग रही थी, इसी वजह से वो किसी से कुछ बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप चलते जा रही थी। पर उसके मन में युग के लिए उसका शक कम नहीं हुआ था, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया था। एक एक करके दिन बीतते जा रहे थे और दिन बीतने के साथ डायना का युग पर शक भी बढ़ते जा रहा था। पर सबके युग के हक में होने के कारण वो किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी। अभिमन्यु तो उससे अब तक नाराज था, जिसे वो मनाने में लगी हुई थी। युग की परेशानियां भी बढ़ते जा रही थी, वो अपना आपा खोते जा रहा था, पर जैसे तैसे करके वो अपने आप पर कंट्रोल किए हुए था, और इस काम में यामिनी उसका साथ दे रही थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि युग की शक्तियां उसके काबू से बाहर हो रही हैं। यहाँ कामेश्वरी यक्षिणी भी तारा के साथ एक के बाद एक यज्ञ पूर्ण करते जा रही थी, पर निर्जला व्रत रखने के कारण अब तारा की हालत खराब होते जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ने लग गए थे। उसे देखने से ही समझ में आ रहा था कि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है, पर फिर भी वो यज्ञ में बैठी हुई है और कामेश्वरी यक्षिणी के कहने पर एक के बाद एक आहुति हवन कुंड में डालती जाती है। कार्तिक पुजारी भी शंख रस को अभिमंत्रित करने में लगे हुए थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते उनका गला भी सूखने लग गया था, पर उन्होंने भी तारा की तरह एक बूंद तक पानी का ग्रहण नहीं किया था। कार्तिक पुजारी क्या वहां पर मौजूद किसी ने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी, सिर्फ तारा के लिए, यहां तक कि युग ने भी नहीं।
जहां एक तरफ कामेश्वरी यक्षिणी और कार्तिक पुजारी मिलकर तारा की शक्ति जागृत करने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ काला साया भी अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगा हुआ था। अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके आखिरकार उसने बिजली की शक्तियों से बॉटल बना ही ली थी, वो बॉटल जिसमें वो वापस से कामेश्वरी यक्षिणी को कैद करने वाला है। पर इस बार की बॉटल उसने पहले से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनाई थी। उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, इस पूर्णिमा की रात को वो कालगढ़ बनाकर ही रहेगा। कछुआ और कायर भी उसके कहने पर मुर्दों की सेना को तैयार करने में लगे हुए थे, उन्हें लड़ने के लिए प्रशिक्षण दे रहे थे। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज पूर्णिमा थी और इस वक्त दोपहर का वक्त था। कामेश्वरी यक्षिणी तारा के साथ मिलकर अपने अंतिम यज्ञ शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ को पूर्ण करने में लगी हुई थी। उसने बड़ी कुशलता पूर्ण 6 यज्ञ पूरे कर लिए थे और अब बस ये आखिरी यज्ञ बचा हुआ था जिसे वो पूरा करने में लगी हुई थी। युग और यामिनी को छोड़कर बाकी सब इस वक्त मंदिर के अंदर ही मौजूद थे। डायना को ये बात अजीब तो लगती है, पर वो जानती थी इस वक्त उसका मंदिर के अंदर रहना ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो इस बात पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अभिमन्यु के साथ मंदिर के अंदर ही बैठी रहती है। लगातार 6 दिन से यज्ञ करने के कारण तारा इतना ज्यादा थक गई थी कि अब हवन कुंड में आहुति डालने के लिए वो अपने हाथ तक नहीं उठा पा रही थी। वो तो उसके पीछे ही वर्चस्विनी बैठी हुई थी, जो अपने हाथ से उसे सहारा देते हुए तारा के हाथ से आहुति हवन कुंड में डलवाते जा रही थी। तारा की हालत इतनी खराब देखकर वर्चस्विनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी, पर उसके अंदर एक विश्वास था कि कामेश्वरी यक्षिणी जरूर तारा की शक्तियां जागृत करके उसे ठीक कर देगी, इसलिए वो हिम्मत बनाए हुए थी। लेकिन बिंदु घबराई हुई थी। तारा की हालत देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे तारा को कुछ हो न जाए। वो नोटिस कर रही थी कि तारा के बस उसी हाथ में मूवमेंट हो रहा था जिससे वो हवन कुंड में आहुति डाल रही थी, बाकी पूरा शरीर स्टैचू की तरह स्थिर था। उसके बाकी के शरीर में जरा सा भी मूवमेंट नहीं था। कार्तिक पुजारी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर भी ये बात पता चलने लग गई थी कि उनका भी मंत्रों का जाप पूरा होने वाला है। वो भी शंखरस को मंत्रों से अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया में करीब पहुंच गए हैं, इसी वजह से वो और ज्यादा तेजी के साथ मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं। जाप की स्पीड बढ़ाने की एक वजह और थी, और वो ये थी कि उन्हें दिखने लग गया था कि कामेश्वरी यक्षिणी का यज्ञ भी पूर्ण होने वाला है, और वो चाहते थे कि जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी का यज्ञ पूरा हो, शंख रस भी मंत्रों से अभिमंत्रित हो जाए, ताकि यज्ञ पूरा होते ही तारा को शंख रस पिला दिया जाए। कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम वज्र नखाय शिव शक्ति युताय नमः। कार्तिक पुजारी मंत्र का जाप करते हुए कहते हैं, समुद्रादि पार्वितम जलम धारुणी नमः गंगे शिवम रूपेणी जलम उधारणम नमः। कामेश्वरी यक्षिणी और कार्तिक पुजारी लगातार मंत्रों का जाप करते रहते हैं। देखते ही देखते मंदिर मंत्रों के जाप से गूंज उठता है। उन दोनों के मंत्रों के जाप करने की आवाज मंदिर के अंदर गूंजने लग जाती है। अगले पल हवाएं तेजी के साथ चलने लग जाती हैं, जिस कारण मंदिर के घंटे अपने आप बजने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वायुदेव स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित हो। मंदिर के अंदर हर कोई भक्ति के राग में डूब गया हो। सबकी नजरें तारा पर जमी हुई थी। जहां हर कोई भक्ति में मगन था, वहीं कुटिया के अंदर मौजूद युग की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी और पुजारी जी इस बार इतनी जोरों से मंत्रों का जाप कर रहे थे कि उन दोनों की आवाज युग को कुटिया के अंदर तक सुनाई दे रही थी। अपने दोनों कानों को हाथ से बंद करने के बावजूद भी वो आवाजें युग को सुनाई दे रही थी जो उसके कानों में चुभते जा रही थी। उसके कान में से वापस से खून निकलने लग गया था। इस वक्त युग तड़प रहा था और यामिनी उसी के पास मौजूद थी जो उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। युग के हाथों के 5 निशान तेजी के साथ चमकने लग गए थे। युग को इस तरह तड़पता हुआ देखकर यामिनी भी घबराई हुई थी। उसके खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे युग को उसकी शक्तियों पर काबू दिलाए। युग दर्द से तड़पते हुए कहता है, बस बहुत हुआ यामिनी, मुझे जाना होगा वरना ये मंत्रों की आवाज मेरे कान फाड़ देगी। यामिनी युग को समझाते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, मैं आपको कहीं नहीं जाने दे सकती, आपको मेरे साथ यहीं पर रहना होगा। युग कराहते हुए कहता है, नहीं यामिनी, मैं अब यहाँ पर और नहीं रुक सकता, वरना पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कैसा लग रहा है, अब मैं इन आवाजों को और नहीं सह सकता, बस बहुत हुआ, मुझे जाने दो। यामिनी पलट कर कहती है, आप कहाँ पर जाएंगे युग बाबू? युग बौखलाहट के साथ कहता है, पता नहीं यामिनी, बस मैं यहाँ से इतनी दूर जाना चाहता हूँ कि ये मंत्रों की आवाज मेरे कानों में ना पड़े, मैं अब इन्हें और नहीं सुन सकता, मेरा बदन अंदर ही अंदर जल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जलकर खाक हो जाऊंगा। यामिनी कहती है,
बस थोड़ी देर की और बात है युग बाबू, माँ का यज्ञ पूरा होने ही वाला होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, बस आप रुक जाइए, कहीं मत जाइए। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यामिनी, अब मैं एक पल भी नहीं रुक सकता, मुझे जाने दो, मत रोको मुझे। यामिनी युग को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर युग था कि यामिनी की बात मान ही नहीं रहा था। उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। युग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने वहां से जाने का पूरा मन बना लिया था। युग ने कुटिया से जाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी यामिनी युग का हाथ पकड़ती है और उससे बोल पड़ती है, युग बाबू आपको मेरी कसम, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको यहीं पर मेरे साथ रुकना होगा। युग पलटकर कुछ कहने वाला था कि तभी यामिनी युग का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहती है, मेरी आंखों में देखिए युग बाबू, और बस हमारे रिश्ते के बारे में सोचिए, हमारे पवित्र प्रेम के रिश्ते के बारे में। प्यार में वो शक्ति होती है जो सारे दर्द सहने की हिम्मत दे देती है, आप अपना दर्द भी मुझे दे दीजिए। यामिनी की बात सुनकर न जाने युग को क्या हो जाता है कि जब वो यामिनी की आंखों में देखता है तो एक पल के लिए सब कुछ भूल सा जाता है, बस यामिनी की आंखों में देखते रह जाता है। यामिनी ने बिल्कुल सच कहा था, देखते ही देखते युग का दर्द कम होने लग जाता है और वो यामिनी की आंखों में पूरी तरह डूब जाता है, अपने दर्द को वो भुला देता है। उसके कानों में अब मंत्रों की नहीं, यामिनी के प्रेम के बोलों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो यामिनी के प्यार में डूब जाता है। जहां एक तरफ यामिनी के प्यार ने युग पर काबू पा लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ कामेश्वरी यक्षिणी की भक्ति ने उसे उसके मुकाम के बहुत करीब पहुंचा दिया था। हवन कुंड की आग तेजी के साथ बढ़ने लग जाती है, जो इस तरफ इशारा करती है कि शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ पूरा होने वाला है। कार्तिक पुजारी भी बस आखिरी के कुछ मंत्रों का जाप करने में लगे हुए थे। मंदिर के अंदर मौजूद बाकी सब लोग अपनी अपनी नजरें कामेश्वरी यक्षिणी और कार्तिक पुजारी पर टिका लेते हैं। मंदिर के द्वार पर ही खड़ा रज्जन भी समझ जाता है कि कामेश्वरी यक्षिणी का यज्ञ पूरा होने वाला है। तभी आग एकदम से बढ़ गई है और मंदिर के अंदर का ताप बढ़ने लग गया है। कामेश्वरी यक्षिणी और कार्तिक पुजारी लगातार मंत्र पढ़ ही रहे थे कि तभी वो दोनों एक साथ चुप हो जाते हैं, और उनके चुप होते ही वो हवाओं के झोंके जो तेजी के साथ चल रहे थे वो थम जाते हैं। इसी के साथ सब लोग समझ जाते हैं कि कामेश्वरी यक्षिणी और कार्तिक पुजारी ने अपना कार्य पूरा कर दिया है। तारा भी आखिरी बार हवन कुंड के अंदर आहुति डाल देती है और आहुति डालने के साथ ही हवन कुंड की आग अपने आप बुझ जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए सामने ही मौजूद शिवलिंग पर नतमस्तक होती है और वापस से बैठते हुए सबकी तरफ देखते हुए कहती है, इसी के साथ महादेव की कृपा से सप्तहोत्र यज्ञ का अंतिम यज्ञ शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ भी संपन्न होता है। अब सब कुछ महादेव के ऊपर है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी की तरफ देखने लग जाती है। कार्तिक पुजारी समझ जाते हैं कि कामेश्वरी यक्षिणी किस तरफ इशारा कर रही है। कार्तिक पुजारी एक लंबी आह भरते हुए कहते हैं, महादेव की कृपा से मेरा कार्य भी पूर्ण हो गया है, मैंने शंखरस को अभिमंत्रित कर दिया है और अब वो क्षण आ गया है जब तारा को ये शंखरस ग्रहण कराया जाए। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।